बाजू बाजू को बेचारों को सुबह को रोटी मिलकर शाम को भी ना मिलती है, कपड़ा भी नहीं मिल रहा। बस थोड़ा ये समझ लो, रोजगार की बात है थोड़ी, बस बच्चों को जो है रोजगार रोजगार मिले, कहीं रोजगार लगे। नमस्कार, इन खबर इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव मिश्रा है। इन खबर की टीम इस समय उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव कवर करने के लिए निकली हुई है। इस समय हम बागपत जिले में हैं, बागपत नगर पालिका के क्षेत्र में है। बागपत चौधरी चरण सिंह परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। यहाँ पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भी सेंध लगाई है चौधरी परिवार के गढ़ में। बागपत से भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है और बाकी तीन विपक्षी पार्टियां जो प्रमुख हैं उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला है, मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनका नाम राजुद्दीन है। वो यहां से पहले चेयरमैन रह चुके हैं, इस बार भी उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाहिद कुरैशी को उम्मीदवार बनाया गया है और बसपा ने नईम राजपूत को टिकट दिया है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाय की दुकान पर हम बैठे हुए हैं, इसे जानेंगे कि क्या चौधरी परिवार की गढ़ बागपत में भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव में कमल खिलाने जा रही है, कैसा रहा है, क्या माहौल है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं लोगों के और क्या योगी सरकार से सब खुश हैं नाखुश हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ काला जी, आप बताइए, आप पहले सबसे पहले आपका क्या नाम है? सत्यप्रकाश जी, क्या लगता है, क्या माहौल है? योगी सरकार काम से आप खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार के। तो निकाय चुनाव में आपको क्या लग रहा है, आप इस बार तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी सब एक साथ आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी टक्कर मिल रही है? योगी जी का नाम क्या है? नाम अच्छा, तो आप योगी सरकार के काम से बिल्कुल खुश है? रोड बिल्कुल राम राजनीति कहीं पे भी फिरो, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की, कोई किसी का पैसा नहीं मार सकता, किसी के पलोट में नहीं घुस सकता, किसी के मकान में नहीं घुस सकता। तो महंगाई और यहाँ महंगाई से बाकी सारे मुद्दे, हाँ बस थोड़ा ये समझ लो, बस रोजगार की बात है थोड़ी, बस बच्चों को जो है रोजगार रोजगार मिले, कहीं रोजगार लगे, नहीं और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राम राजनीति, वो बेटी कहीं फिरो, सबसे बड़ा न्याय है सब। बागपत के निवासी हैं, आपने बहुत सालों तक चौधरी परिवार के ऊपर भरोसा जताया है। चौधरी साहब भी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, उन्होंने एक तरफ एक सड़ना देखा सबको एक साथ, लेकिन चौधरी साहब अच्छी सीट छोड़ के गए थे, आज उनका जो है कुछ भी नहीं है, ऐसे काम इन लोगों ने कर दिया। चौधरी साहब एक नंबर थे, जैन भी बढ़िया लड़का, मगर साथी जो है नहीं हो पा रहे, काम करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारे साथ एक और आए हुए हैं। हाँ आपका क्या नाम है? जाहिद जी, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपका? योगी सरकार के काम से आप खुश हैं? साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए बोल रहे हैं। और जयपुर लेकर आपकी क्या राय है? मोदी सरकार, हाँ मोदी सरकार सबसे बढ़िया है, योगी की जोड़ी आपको पसंद है? हाँ बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया, सबसे बढ़िया मकान बन रहा है। ठंडी माता जी आपको मकान बनवा दिया, ढाई ढाई लाख रुपए दे दिए, प्लॉट लुआ लगे, और क्या चाहिए युवाओं के? तो मुद्दे हैं, अखिलेश तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो महंगाई तो बहुत ज्यादा बार होती है, महंगाई तो जब जब इलेक्शन लगे जाएंगे हर चीज की महंगाई होगी, हर बार होगी, महंगाई किस में ना हुई बताओ, हमारे बचपन में 2 रुपए का पेट्रोल आज 2 रुपए नहीं हो गया, तो इन्होंने बढ़ाई, तो बढ़ाई बस सारा इन्होंने थोड़ा कर दिया, एकदम से मोबिल 2 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर हो गया, 200 रुपए लीटर हो गया, वो इन्होंने थोड़ा बता दिया सारा। कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या कहना है? यहाँ कानून व्यवस्था सारी सही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल राम राज आ रहा है यहाँ पर, सब पढ़ाई हो, अगर कोई ना कहेगा किसी को जाकर तो सरकार घर में तो बनने नहीं आते, किसी को ना इसका आदमी को उठाने, अगर कोई शिकायत कर रहा हो तुरंत सुनवाई जाती है। योगी जो इंकाउंटर हो रहा है उसका आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही हो रहे, जो न्याय कर रहे वो सही कर रहे, गरीब का ना मकान छिल रहा, ना प्लॉट छिल रहा, ना पैसा छिल रहा, ना कुछ छिल रहा।
अगर कोई शिकायत करे सरकार बन जाए, कुल मिला के सरकार बढ़िया है, बढ़िया गद्दारी का काम खत्म हो गया। सरकार बढ़िया है तो अखिलेश में क्या कमी है, उनको भी एक बार मौका दीजिए। वो वाली बात नहीं बड़े ना दबाव नहीं दबाव कुछ नहीं, हम कुछ कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, यहाँ तो एक समय भाजपा की भी नहीं, यहाँ पर तो सपा एनडीए सब का कर रहा है, तो आप कैसे भाई काम तो वही जो पार्टी आती है, थोड़ी महंगाई आती है, महंगाई आती है। यहाँ देखो सो, अरे थारे बचपन में 2 रुपए लीटर दाग नहीं था, तेल का मामला। आपको लगता है महंगाई होता है? नहीं महंगाई तो है, मगर सारी एकदम तो थोड़े बढ़ा रही है, सब महंगा होना चाहिए। बाजी बाजी को बिचारे को सुबह को रोटी मिलकर शाम को बिना मिलती है, बाजी बाजी को कपड़ा भी नहीं मिल रहा, उनका भी होना चाहिए। महंगाई है, जो कमाने जा रहे हैं उनकी कमाई भी ना मिल रही, ना कमाई कोई दे रहा है, जाकर कोई मार रहा, कोई चुकाई कर रही, कानून होना चाहिए। दादा जी तो कह रहे हैं महंगाई हमेशा होती है हर सरकार में, राशन तो राशन वाले खा रहे हैं, जैसे चावल मिल रहा है तो 15 किलो दे रहे हैं, कोई बात है सरकार की कमी नहीं है, तो नीचे वाले लोग कर्मचारी।